इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजियो के अंदर अगर हम किसी भी जूते का साइज या फिर किसी भी मतलब चीज़ का प्रोडक्ट का साइज सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्लिकेबल नहीं हो पाता, वो प्रोडक्ट का साइज जो होता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर देख सकते हैं 13, 12, 11 इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट के जो है साइज रहते हैं, तो बेसिकली हम क्लिक नहीं कर पाते हैं, सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल समझ लीजिए कि क्या सिस्टम रहता है और क्यों हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि साइज क्या होता है। साइज बेसिकली आपको जो अगर आपके शूज़ हैं तो वो बड़े साइज में यूके साइज लगते हैं, एंड उसमें आपका जो है साइज पता होना चाहिए कि मैं कौन से जूते हमारे पैर में फिट आएंगे, तो वो आपको जो है पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब आप सिलेक्ट करते हुए हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका स्टॉक बचा हुआ होना चाहिए उस नंबर का। अब यहाँ पर जो हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं वो यही रीज़न है कि इसका स्टॉक नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर स्टॉक इसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर भी नहीं है, सिर्फ 6 नंबर का स्टॉक बचा है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर फिर कुछ ही आइटम्स हैं, बाकी 7 नंबर 8 नंबर या कोई सा भी नंबर यहाँ पर जो है आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट करिए, उसका जो है साइज़ देखिए, तो यहाँ पर आपको साइज नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर होता तो यहाँ पर क्लिकेबल होता, और नहीं है तो क्लिकेबल नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पर और कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता, अपडेट होते रहते हैं। अब कंपनी के पास ऐसा तो नहीं कि एक ही साइज़ के सारे जूते हो, वो ख़त्म हो जाते हैं, कभी ऑफर चल रहा हो उस वजह से बहुत सारे लोग मंगवा लेते हैं तो इसलिए वे ख़त्म हो जाते हैं, और इसका कुछ ऐसा अब दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।